नमस्कार। यूपी की भाजपा सरकार के लिए राहत भरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है और सुनवाई 4 जनवरी को होगी। हम बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव की। सरकार ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिना ओबीसी चुनाव कराने के आदेश जारी किए थे, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूर्ण करने में समय लगेगा। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन तो कर दिया है। आयोग के पदाधिकारियों की पहली बैठक भी हो चुकी है, लेकिन देखना होगा कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही यूपी में नगर निकाय चुनाव कराने की अनुमति मिलती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रुख पर सभी की नजर है, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कम से कम 6 माह का समय तो लगेगा ही। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी की भी मांग है कि ओबीसी आरक्षण के बाद ही चुनाव कराए जाएं। दरअसल ओबीसी आरक्षण यूपी में बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। अगर मुद्दा और ज्यादा गर्माया तो इसका असर तमाम प्रदेशों में दिखाई देगा और 2024 को लेकर भाजपा की चिंता भी बढ़ जाएगी।